हाई एवरी वन दिस इज रानिका आज हम बात करने वाले हैं पोलर बेयर्स की कि पैसिफिक आर्टिक में पहली बार पोलर बेयर्स फिर से 20 सालों में फिर से आ रहे हैं ये एक अच्छी खबर है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील मेक्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम तो पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी मैं आपको बता दूं आप कोड गेट थर्टी यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट लेने के लिए हमारे सारे स्मार्ट कोर्सेज पे चाहे वो यू हो एस हो स्टेट पी एस सी या ऑप्शनल यहाँ पे लिस्ट आप नाइनटीन इस तरह के कोर्सेज़ की देख सकते हैं आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या तो ये नंबर है इसमें कॉल करके आप डिटेल में कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं अब देखिए अभी तक हमको यही पता था कि जो आर्टिक की आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं बहुत तेज़ी से उससे फ़र्क किसको पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे हम पोलर बेयर्स की बात कर रहे हैं तो पोलर बेयर्स को बहुत नुकसान हो रहा था आ, हंटिंग में आइस कैप की मेल्टिंग से क्योंकि आर्टिक रीजन में ये टॉप प्रीडेटर्स हैं अब कोई भी प्रीडेटर हो या प्रे हो किसी भी लेवल पे उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आइस कैप मेल्ट हो रहे थे सी लेवल्स आपके रेज हो रहे थे तो लोकल हैबिटेट जो है मरीन हैबिटेट उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था लेकिन अब एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि पैसिफिक आर्टिक से आ रही है साइंटिस्ट कह रहे हैं कि रीजन फिर से कूल cool हो रहा है फर्स्ट टाइम इस रीजन में आइस मेल्ट नहीं हो रही समर्स में भी इस बार उतनी मेल्ट नहीं हुई आइस बनी है और इससे पोलर बियर्स को बहुत फ़ायदा होगा तो ये न्यूज़ हिंदू में भी आई थी पोलर बियर्स रिटर्न टू पैसिफिक आर्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी ईयर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पैसिफिक ओशन है ये आर्टिक ओशन है इस रीजन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं पोलर बियर्स आर्टिक सर्कल में आपको मिलेंगे आइस कवर्ड वाटर्स पे मरीन मैमल्स हैं फूड चेन के टॉप पे आते हैं इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है मरीन इन्वायरमेंट में यूजुअली ये सील्स पे वाल्रस हो गए उन पे प्रे करते हैं सील्स तभी आपके आएंगे जब आपका आइस रहेगी 50 परसेंट से ज़्यादा टाइम ये हंटिंग में गुजारते हैं जो पोलर बियर्स रहते हैं लेकिन जिस तरीके से आइस पहले मेल्ट हो रही थी तो इनको शिकार में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इनको सील्स नहीं मिल रही थी खाना नहीं मिल रहा था खाना खाने के लिए तो जो पोलर बियर्स हैं ये इंडेंजर्ड हो गए थे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर गई थी डिक्लाइन हो गई थी राइट right? अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यही बात है कि आर्टिक आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं और इनका हैबिटेट जो है पोलर बियर्स का वो खतरे में है रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कूलिंग कि फर्स्ट टाइम आर्टिक रीजन कूल कर रहा है जिससे आइस वहाँ पे रिटेन हो रही है रिटेंशन हो रही है और पोलर बियर्स उस एरिया में फिर से वापस आ रहे हैं जब वहाँ पे कोई आइस नहीं होगी तो वो सील्स के लिए हंट नहीं कर पाएंगे बाकी एनिमल्स होगा जैसे वालरसेस के लिए उनको हंट करना पड़ेगा और कर भी रहे थे इनफैक्ट उनके पैटर्नस हंटिंग के चेंज हो गए थे अब रिटेंशन का मतलब ये है कि सील्स फिर से रीअपियर रियपियर हो रहे हैं सील्स फिर से आएंगे तो पोलर बियर्स को उनका प्रेफर्ड फूड भी मिलेगा वो भी वापस से आएंगे पोलर बियर्स क्योंकि सील्स को हंट करना पसंद करते हैं देन वॉलसेस लेकिन जब उनको सील्स नहीं मिलते तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता तो उनको वॉलसेज को ही हंट करना पड़ता है लेकिन आइस अगर नहीं होगी तो फिर पोलर बियर्स को प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अब वो चीज़ फिर से सुधर रही है पोलर बियर एक एंडेंजर्ड एनिमल है और अगर आपका पैसिफिक आर्टिक फिर से कूल cool हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है पोलर बियर के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट बियर है दुनिया का बहुत ही सुंदर सा जानवर है और आर्टिक टॉप प्रिडेटर है आर्टिक का टॉप प्रिडेटर है काफ़ी पावरफुल सिंबल है ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का कि आर्टिक में भी लाइफ हो सकती है और ये एनिमल्स किस तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं लेटिन नेम पोलर बियर का है उर्सस मैरिथमस जिसका मतलब होता है सी बियर कि समुद्र का बियर ऐप्ट नेम है इस मैजिस्टिक स्पीश के लिए और ये अपना लाइफ ओशन के अराउंड ही बिताता है सी आइस में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स हो गया अलास्का हो गया पोलर बियर की सब पॉपुलेशन आपको इन्हीं एरियाज़ में मिलेंगी स्विमर्स भी बहुत अच्छे होते हैं पोलर बियर्स बहुत अच्छे से अपने आप कह लीजिए सिक्स माइल्स पर आवर ये स्विम कर सकते हैं पैडल करके फ्रंट पॉज से ये स्विम करते हैं और पीछे अपना जो हाइंड लेग्स होते हैं उनको रडर की तरह फ्लैट रखते हैं इनकी बॉडी पे बहुत थिक लेयर ऑफ फर है अब इतने ठंडे इलाके में ठंड से इंसुलेशन के लिए और पानी से बचाने के लिए कोल्ड एयर वाटर से इनका ये फ़र बहुत ज़्यादा काम आता है पोलर बियर्स 50 परसेंट अपना टाइम हंटिंग फूड हंटिंग में ही गुजारते हैं और शायद वो सिर्फ एक या दो सील ही पकड़ पाएँ दस सील्स में से डिपेंड करता है कौन से ईयर के कौन से टाइम पे वो हंट कर रहे हैं और बाकी वेरिएबल्स भी कि कितने सील्स हैं किस तरह का टेम्परेचर है उनकी डाइट में आपको यूजली रिंगड और बियरडेड सील्स ही मिलेंगे क्योंकि इनको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ़ फ़ैट चाहिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा फैट इनको चाहिए क्योंकि बहुत ठंडे इलाके में ये रहते हैं अब जो सर्वाइवल और प्रोटेक्शन है पोलर बियर की हैबिटेट की एक अर्जेंट इशू है डब्ल्यू की तरफ से भी अक्टूबर 2009 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई जो है पोलर बियर स्पेशलिस्ट ग्रुप ने रिलीज किया था एक असेसमेंट कि हम असेस करेंगे कितने पॉपुलेशन क्या पॉपुलेशन बची है पोलर बियर की जिसमें बताया ये पता चला था कि पॉपुलेशन पोलर बियर की डिक्लाइन हो रही है कम हो रही है और फिर धीरे धीरे रिसेंटली दिखला कि वो इंक्रीज़ हुई विद इंक्रीज़ टू फोर विद एट पॉपुलेशन स्टिल बिंग डेटा डिफिशेंट लेकिन अभी भी हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है पोलर बियर का असेसमेंट करने का बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो आर्टिक पैसिफिक आर्टिक में इनका पॉपुलेशन को काउंट करना इस तरह से पोलर बियर आपको दिखता है थ्री आइलेट्स हैं इसकी ओके एंड लॉन्ग नेक है स्ट्रॉग नेक एंड मसल्स हैं ये इसकी शॉर्ट टेल है पीछे से स्विमिंग आगे वाले पॉज से करता है पीछे वाले को रडर की तरह यूज़ करता है पाँच बिग क्लॉज होते हैं ईच पाओ में एक पाओ में इसके पाँच क्लॉज हैं लार्ज पॉज हैं फर है उसमें भी ठंड से इसको बचाने के लिए और ये फर आप इसका देख सकते हैं किस तरीके से पोलर बियर के ईयर स्मॉल होते हैं और ये फ्लैट हो जाते हैं जब ये स्विम करते हैं अब आर्टिक रीजन की बात करें तो नॉर्दन मोस्ट रीजन है इंडिया का काफी साइंटिस्ट आर्टिक को इस एरिया में बताते हैं आर्टिक सर्कल जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड आपका सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ पे है इक्वेटर के और इस सर्कल के साथ ये जो आर्टिक ओशन का बेसिन है आपके नॉर्दर्न पार्ट्स कैंडेबियन कंट्रीज के रशिया कैनाडा ग्रीनलैंड यूएस स्टेट ऑफ अलास्का ये वाला एरिया आपका आर्टिक रीजन जाना जाता है तो यही न्यूज़ थी आज पोलर बियर की जो हमने करंट अफेयर में पढ़ी तो दिस इज़ अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि यूजली हम जो भी लेक्चर्स बनाते हैं हमेशा इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है ये वही बनाते हैं बट दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कि आर्टिक कूल हो रहा है और उससे फायदा पोलर बियर पॉपुलेशन को हो सकता है क्योंकि दे आर रिटर्निंग बैक टू द आर्टिक उनको वहाँ पर उनका खाना मिलेगा खाना क्या प्रेफर करते हैं ये सील्स और अगर सील्स ना मिले तो वॉलरसेस जो एनिमल होते हैं ये भी इन पे फीड करते हैं बट दे नीड मोर फैट टू सरवाइव इन द कोल्डर एरियाज इसलिए दे प्रेफर सील्स एज देयर फूड सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़ अब क्वेश्चन आपके लिए फीमेल पोलर बेयर गिव्स बर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग समर ऑटम विंटर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको सही आंसर मालूम चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए ई एम आई पर भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आ, बाकी जो स्क्रीन पर नंबर दिया, दिया है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं थैंक यू सो मच